Hello and welcome to Telly Express, your one-stop destination for all reality shows news. दोस्तों, धर्मेंद्र देओल ने आखिर ये क्या बोल दिया देवोश्मिता की आंखों के लिए? शर्मा गई देवोश्मिता. क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की. बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेली एक्सप्रेस. दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर आए धर्मेंद्र देओल. वो धर्मेंद्र जिनके लिए लाखों करोड़ों हसीनाओं का दिल धड़कता है, वो धर्मेंद्र जो ना जाने कितनों की इंस्पिरेशन है. सलमान भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं, अपना गुरु मानते हैं. और ऐसे में देवोश्मिता ने धर्मेंद्र के सामने उन्हीं की फिल्म का गाना गाया, गाना मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं. फिल्म लोफर का ये गाना धर्मेंद्र और मुमताज पर ही फिल्माया गया था. और इस गाने को जब धर्मेंद्र ने सुना देवोश्मिता की आवाज में, तो वो हैरान रह गए. देखते रह गए कि किस तरह से लता जी के इस गाने को देवोश्मिता ने इतनी बखूबी गा दिया. जिसके बाद धर्मेंद्र ने कहा कि वो इस गाने को फिर से एक्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने मुमताज के साथ इस गाने पर एक्टिंग भी की. और बाद में ये कहा कि देवोश्मिता, तुम्हारी आंखें मुझे मुमताज की याद दिला रही हैं. जब हमने ये गाना शूट किया था तो मुमताज बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिख रही थी. जो गहराई, जो पाकपन तुम्हारी आंखों में है, वही मुमताज की आंखों में था. और उस समय उन्हीं आंखों को देखकर मैंने इस गाने में एक्टिंग की थी, और यकीन मानो डूब गया था मैं उसकी आंखों में. ये सुनकर जहाँ एक ओर मुमताज शर्मा गई, तो वहीं दूसरी ओर देवोश्मिता भी शर्म से लाल हो गई. आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें.